नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आराधना दुबे। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। वहीं पर पास में बेल आइकन है, इसको प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा जो भी अगला वीडियो आएगा आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए, कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विटामिन डी भी हमारे बॉडी में एक हार्मोन की तरह काम करता है। विटामिन डी हमको कमी से क्या हो सकता है, हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसके क्या लक्षण हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है, अपन इस बारे में आज मैं इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी दूंगी। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि विटामिन डी की कमी हो सकता है कि आपको भी हो, आपके फैमिली में भी किसी को भी हो। तो अब मैं जो लक्षण आपको बताऊंगी उससे आप समझ जाएंगे विटामिन डी की कमी हो रही है, उसके क्या आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसको क्या इलाज दे सकते हैं, आपको इस बारे में आज पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, ये इसलिए वीडियो ये बहुत ज़रूरी है आपको, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। विटामिन डी ये एक्चुअली क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है, जैसे बहुत सारे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी, वैसे एक विटामिन डी होता है। आज अगर आप टेस्ट करवाने जाएं तो इंडिया में कम से 80% लोगों में इसकी कमी पाई जाती है। ऐसे बहुत सारे जो रूटीनली चेकअप होते हैं उसमें हमने जब ये पता किया तो कम से कम 80% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई गई है। जबकि और विटामिन तो फिर भी लेवल पे थे, बट विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा अपने इंडिया में, अपने सब जगह बहुत ज़्यादा कमी है। बच्चों में भी काफ़ी कमी पाई गई है, मेल में, फीमेल में, बुज़ुर्गों में भी काफ़ी इसकी कमी आजकल पाई जा रही है। तो दोस्तों, अपने अब होता क्या है कि जब पहले जो अपने पुराने ज़माने के लोग, तो आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने लोग बहुत मजबूत होते थे, उनकी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता था, बहुत कम बीमार होते थे, थोड़ी सी दवा लेने में ही तुरंत ठीक हो जाते थे, उनके बाल, दांत और हड्डियां बहुत मजबूत होती थी। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि क्या होता था, जब आप आजकल की लाइफ स्टाइल, पहले की लाइफ स्टाइल में क्या था अपने को कि जितने भी काम होते थे सब धूप में जाके या अपने घर से बाहर ही काम होते थे, तो उनको क्या लगता मिलता था, सन एक्सपोजर। विटामिन डी हमको किससे मिलता है, जो जब धूप के संपर्क में अपन आते हैं तो अपने शरीर में विटामिन डी की मात्रा प्रॉपर लेवल पे आने लगती है। तो पहले के ज़माने में क्या था कि लोग बुज़ुर्ग बाहर जाते थे, काम बाहर ही करते थे, अधिकतर काम ओपन में ही रहते थे, तो उनको आराम से धूप मिलती थी, तो उनके में विटामिन डी की मात्रा प्रॉपर रहती थी, इसी वो लोग स्वस्थ रहते थे, बीमार कम पड़ते थे, इसलिए उनके बाल, दांत, हड्डियां बहुत मजबूत होती थी, कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत होता अच्छा होता था। विटामिन डी क्या करता है, ये एक फैट सोल्यूबल है, अपना फैट सोल्यूबल विटामिन है, ये एक प्रकार से हार्मोन की तरह काम करता है। और ये क्या काम करता है, जो हमारी बॉडी होती है, जैसे अपन क्या होता है कि अपन ने सुना होगा, अरे हमको बहुत कमजोरी आ रही है, ये आए तो लोग कैल्शियम की मेडिसिन ले लिए अपने मन से, या कैल्शियम की दवा खाए, लेकिन कैल्शियम तभी अपनी बॉडी में असर करेगा जब उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, विटामिन डी से होता है। तो जब विटामिन डी मिलेगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा और आप स्वस्थ रहते हैं, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, आप बीमार कम पड़ते हैं। तो दोस्तों, अब अपन क्या, जब से पहले तो जब विटामिन डी की कमी होगी तो उसको आपको कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले विटामिन डी के लक्षण के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आप खुद को समझ में आने लगेगा मेरे बॉडी में विटामिन डी की कमी हो रही है। तो सबसे पहला है कि जब हम सबसे पहले बात करेंगे अपन कि जब विटामिन डी कमी होगी तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, तो सबसे पहले हेयर फॉल होगा, जो एलोपेशिया जो आपने देखा होगा कहीं गैप गैप करके बाल झड़ रहे हैं, तो वो विटामिन डी की कमी से भी एलोपेशिया एरेटा जो होता है उसके लक्षण आपको मिलेंगे। फिर दूसरा रहेगा कि शरीर में खूब सारी थकान बनी रहेगी, थोड़ा भी काम करेंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है। फिर उसके बाद आपको लगेगा कि आपके पैरों में बहुत खिंचाव हो रहा है, बहुत दर्द बना रहता है, क्योंकि जो एज वाले रहते हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग रहते हैं, उनमें विटामिन डी की ज़्यादा कमी होने लगती है, क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होना, और कैल्शियम भी कम बनता है और साथ में विटामिन डी नहीं है तो उसका एब्जॉर्प्शन भी कम होगा, तो उसमें क्या रहेगा, जो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये जो प्रॉब्लम होती है,
ये विटामिन डी की कमी से भी होती है। अब जब जैसे आपको थोड़ा भी काम कर रहे हैं, जब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी रहेगी, कमी डी विटामिन डी की कमी रहेगी तो आप बार बार बीमार पड़ेंगे, क्योंकि इम्यून सिस्टम कम होता है। जब इम्यूनिटी पावर कम होगी तो आपको बार बार सर्दी खांसी होगी, जुकाम होगा, तो आपको ये सिम्टम समझ लेना पड़ेगा कि आपको विटामिन डी की कमी हो रही है। फिर उसके बाद एक और लक्षण है, इसमें क्या रहेगा कि जैसे थोड़ा भी अगर आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़े भागे, तो आप अगर गिर गए तो तुरंत हेयर लाइन क्रैक या फ्रैक्चर हो सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप बच्चे बूढ़े या जिनमें भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा भी चलते फिरते हैं तो हड्डी टूट जाना या क्रैक हो जाना या डिसलोकेट हो जाना, तो उसमें विटामिन डी की कमी हो रही है उनकी बॉडी में। फिर उसके बाद क्या आएगा कि ये, हाँ, ये क्या करता है कि ये एक प्रकार से, जगह जब विटामिन डी का लेवल सही रहता है तो आप खुश रहेंगे, आप हर काम में मन लगेगा, किसी काम में डर नहीं लगेगा, आप तुरंत हर काम के प्रति जागरूक रहेंगे, तो इसको एक प्रकार से हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये हमारी बॉडी में इसका प्रॉपर लेवल का होना बहुत ज़रूरी रहता है। लेकिन अगर इसकी कमी होगी तो आपको खुद डिप्रेशन आएगा, आप खुद थकान सा महसूस करेंगे, आप किसी काम में मन नहीं लगेगा, कहीं जाने की इच्छा नहीं होगी, किसी से मिलने की नहीं इच्छा होगी, तो आप इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आपको विटामिन डी की कमी हो रही है। तो ये जो मैंने आपको कुछ लक्षण बताए हैं, इससे आप समझ जाएंगे आपके परिवार में या आपकी पहचान में या दोस्तों में या कहीं भी है, तो ये लक्षण अगर आपको कोई बोलता है तो आप इसको बता सकते हैं कि भाई आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो रही है। अब ये कमी क्यों होती है, क्योंकि पहले की जो लाइफ स्टाइल थी, मैंने आपको पहले बताया ये कि जो लाइफ स्टाइल थी पूरा मतलब बाहर की बाहरी लाइफ स्टाइल, तो आपको धूप से ही सबसे अपन कॉन्टेक्ट में आते थे जब बड़े बुजुर्ग, तो उनको वो नॉर्मल लेवल पे नॉर्मल तरीके से विटामिन डी मिल जाता है। बट आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, जी हर काम अपने घर के अंदर ही है, या तो फिर जैसे आप जहाँ जाते हैं ऑफिस में अंदर ही रहना है कंटिन्यू 8 आवर्स 6 आवर्स, जिनकी जैसी ड्यूटी रहती है वो अंदर ही रहते हैं, धूप में निकलना ज़्यादा हो नहीं पाता, जिसकी वजह से आजकल की लाइफ स्टाइल की वजह से विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि विटामिन डी कम है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी कम हो रहा है तो इधर कैल्शियम की कमी भी हो रही है, और विटामिन डी की कमी ऑलरेडी बनी है। तो इसको जैसे ही आपको लगता है कि जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं ये आपके आप बॉडी में या आपके परिवार में किसी को मिल रहे हैं, तो फिर आप सबसे पहले इसका टेस्ट करवाएंगे विटामिन डी का। इसमें आपको रेंज अगर कम मिलती है 30 से लेके जो अपनी 20 से 30 तक की अगर कमी है, 30 से लेकर अगर 60 तक है तो नॉर्मल है, अगर 20 से 30 तक है तो कमी हो रही है, 20 से अगर नीचे है तो समझ लीजिए आपको बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, तुरंत फटाफट आपको कैल्शियम और किसी डॉक्टर से परामर्श लेके उनके पास जाके विटामिन डी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। दोस्तों अब कुछ मेडिसिंस हैं जो इसमें विटामिन डी प्रॉपर पूरी मात्रा में रहता है, तो कुछ टैबलेट आती हैं विटामिन डी की, वो आप ले सकते हैं, वो 60,000 IU यानी यूनिट रहती है उसके हिसाब से रहती है। तो अगर आपको मार्केट में आप जाते हैं कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में मिलता है तो आपको वीकली टू वीकली लेना है, हफ्ते में एक बार लेना है, पहले 8 वीक लेंगे आप इसको, अगर लगता है कि आपको मतलब ज़्यादा कमी नहीं है तो 8 वीक लेके फिर आप बंद कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कमी ज़्यादा आ रही है तो इसको चलने देंगे, 8 वीक हो गया फिर आप मतलब 4 वीक और ले सकते हैं, जब तक वो कमी आपको बॉडी में अपने आप चेंजेस आने लगेंगे तो आप वो लेना बंद कर सकते हैं। तो ये कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है और पाउडर फॉर्म में भी आता है, तो आपको मार्केट में जैसा अवेलेबल हो जाए उस हिसाब से आप इसको लेना चालू करिए, तो आपके शरीर में विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए।